सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज जो एक्सपेरिमेंट है वो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट को फ्रेंड्स डाउट है कि चारकोल कैविटी टेस्ट कैसे करते हैं। मतलब आप सही सुन रहे, चारकोल कैविटी टेस्ट, वहाँ पे स्टूडेंट को डाउट है। मैं सारे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ और चारकोल कैविटी टेस्ट जो है ना वन ऑफ द इजिएस्ट एक्सपेरिमेंट में से वन है, ठीक है। और मैं कैसे बताऊंगा कि कैसे आपको कलर जज करना है, कैसे ब्लो पाइप यूज़ करना है और चारकोल कैविटी कैसे बनानी है, तो आपको जरा भी डाउट नहीं होगा ये सारी चीज़ों में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको केमिस्ट्री में 30 out of 30 दिला के रहूंगा, ठीक है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखिए। सो चलो मैं फटाफट आपको चारकोल कैविटी टेस्ट सारे सॉल्ट के लिए दिखाता हूं कि कैसे कैसे हमें रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। सो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं चारकोल कैविटी कराने के पहले आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। तो देखो, टेस्ट ऑब्जर्वेशन इन्फरेंस, तो पहले आपको दिख रहा होगा कि हमें थोड़ा सा ना सॉल्ट लेना होता है। अब आपको एक वॉच ग्लास रहेगा, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए और उसमें सॉलिड Na2CO3 को मिक्स कीजिए। लेकिन अगर अगर इसका रेशियो आप 1 लेते हो तो Na2CO3 का रेशियो ना डबल रहेगा। जैसे अगर आपने ये इतना लिया तो ये लगभग इतना सारा आपको लेना पड़ेगा और दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा वॉच ग्लास में, ठीक है। और वॉच ग्लास में मिक्स करने के बाद आपको एक ड्रॉप डाल के ना उसका पेस्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? उसका एक पेस्ट, और उसको फील करना होगा आपको चारकोल में और उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग फ्लेम्स क्या होते हैं। तो जो येल्लो फ्लेम होता है ना, वो आपका रिड्यूसिंग फ्लेम होता है, उसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, दैट्स व्हाई वो येल्लो में क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। अगर आपको रेड स्केल मिलता है, जैसे जलाने के बाद आपको ईटे जैसा अगर कुछ ऐसा रेड स्केल कलर ऑब्जर्व होता है, रेड स्केल आप मेरे बाजू में देख रहे होंगे, तो उसके लिए कॉपर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट हो जाएगा? कॉपर। मैं आपको बता देता हूँ, मान लो अगर आपका इसका चारकोल कैविटी टेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको ये लेना रहता है और उतना ही अमाउंट में, मतलब ये, और उसके साथ में आपको लेना रहता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का जो रेशियो रहेगा ना, आप जितना लोगे इसका डबल क्वांटिटी ये लेना पड़ता है। मतलब अगर अगर आपने कॉपर सल्फेट, जैसे मैंने कॉपर का ले रहा हूँ, ठीक है, तो कॉपर अगर आपने इतना लिया तो ये लगभग उसका डबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ और इसका लगभग डबल क्वांटिटी कॉपर ले रहा हूँ और इसका लगभग, ठीक है, अगर मैंने इसको इतना लिया तो मुझे ये लगभग इतना लेना पड़ेगा, ठीक है, डबल क्वांटिटी में इसको मिक्स करना और इसका पेस्ट बन जाता है। और इसे पेस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, ये देखो, ये चारकोल होता है, इसमें एक होल क्रिएट किया जाता है और इसी के अंदर इसको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, इसके अंदर फिल कर दूँगा, ठीक है। बस ये वाटर है तो इसमें एक ड्रॉप वाटर डालना होता है, हल्का सा ही एक ही ड्रॉप में डालूंगा, ठीक है, ताकि इसका पेस्ट बन के क्या हो जाए, रेडी हो जाए, ठीक है। फिर चारकोल कैविटी टेस्ट को हम किस फ्लेम में करते हैं, येलो फ्लेम में, ठीक है। और येलो फ्लेम में इसको क्या करना है, आपको हीट करना, बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और ब्लो पाइप को बिल्कुल ऐसे रखना है, ठीक है, और इसको हीटिंग देनी है इनको। ये जो कलर आप जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं रेड स्केल, और यही कलर अगर आपका है तो आपको कॉपर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन वही आपका एक मेटालिक बीड्स आएगा या फिर येलो इनक्रस्टेंस आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या प्रेजेंट हो जाएगा, पीबी। डिक्रिपिटेशन, डिक्रिपिटेशन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि डिक्रिपिटेशन है क्या, तो डिक्रिपिटेशन का मतलब होता है आवाज आना, तो अगर आवाज आएगा तो तुम्हारा पीबी अगेन वही क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ये हमारा है लेड, ठीक है, और लेड में हमें क्या मिलाना है, उतना ही, मतलब उसके डबल क्वांटिटी में हमें क्या मिलाना है, सोडियम कार्बोनेट, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से क्या कर देना है, मिक्स कर देना, अपने चारकोल लेना और उसमें क्या कर देना है, इसको फील कर देना, कुछ ड्रॉप ऐड कर दूंगा क्योंकि पेस्ट बनाना बहुत जरूरी, तो ये गिर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, इसको येल्लो फ्लेम में हीट करना है थ्रू दिस ब्लो पाइप। अब इसको आप पेयर्स ऑफ टंग से पकड़ सकते हैं। अब आपको इसको हीट कैसे करना है, ठीक है, तो ये येलो फ्लेम है और ये फ्लेम इस पे जानी चाहिए, ठीक है। मैं ये ब्लो पाइप से इसको ब्लो कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बीड्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेटालिक बीड्स। ये जो बीड, और ये हल्का येल्लोइस में है, ठीक है, आपको ये दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये हल्का आपको येल्लोइस दिखेगा। और जो ऊपर का एक स्पॉट जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बीड्स, क्या बोलते हैं इसको, मेटालिक बीड्स। तो फ्रेंड्स, इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका पीबी क्या है, यहाँ पे कन्फर्म है NH4। अगर NH4 प्रेजेंट रहेगा आपके सॉल्ट में तो क्या रहेगा कि वाइट इनक्रस्टेंस रहेगा,
क्या रहेगा, व्हाइट, इनका जैसे व्हाइट व्हाइट जैसा एक सब्सटेंस ना बाहर की तरफ आता है, ठीक है, तो वैसा वो NH4 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। और एक चारकोल कैविटी आपको करके दिखाता हूँ अमोनियम का। तो ये मेरे पास अगला जो सॉल्ट है वो कौन सा है, अमोनियम का सॉल्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमोनियम का सॉल्ट लूँगा, ठीक है, और उसमें डबल क्वांटिटी में, डबल क्वांटिटी में मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगा, यहाँ पे पेस्ट बनाऊँगा इसका, ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, चारकोल में फिल करूँगा। चारकोल में फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स वाटर के डालते हैं, इसको क्या करेंगे येलो फ्लेम में हीट करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ठीक है, आपको पैर्स ऑफ टंग से इसको पकड़ लेना है टोंग से, ठीक है। अब मैं इसको आपको हीट करके दिखाता हूँ, सेट किए हैं, आपको देखने के लिए क्या मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं व्हाइट इंस्ट्रक्शन, जो आजू बाजू आपको ये व्हाइट व्हाइट दिख, इसको बोलते हैं आपको व्हाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पीबी वाले में आपको क्या मिल रहा था, डिक्रिप्टेशन की आवाज भी मिल रही थी, और लास्ट है व्हाइट इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू। अब बहुत लोगों को नहीं पता चलता है कि व्हाट इज मीन बाय इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू, तो इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू क्या होता है कि वो ना मेल्ट नहीं होता है जल्दी, वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट इन्फ्यूजिबल, और वो व्हाइट कलर का रहेगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिंक, एल्युमिनियम, Mg, बेरियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, तो बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, तो अगर हमें ये कभी मिलता है ना, तो हमारा बहुत सारा सॉल्ट जो रहता है ना वो क्लियर हो जाता है। अगला मैं यहाँ पे करता हूँ मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, अगर ये सब रहेगा तो कैसे बिहेव करेंगे सॉल्ट। जैसे कि मैंने मैग्नीशियम का सॉल्ट लिया, किसका सॉल्ट लिया है, मैग्नीशियम का, ठीक है, ये सबके एक ही कलर आते हैं, लाइक जिंक +2, एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, बेरियम, ठीक है, तो बिल्कुल डबल क्वांटिटी में क्या डालूंगा मैं, Na2CO3, ठीक है, ये मैंने Na2CO3 यहाँ पे मिक्स कर दिया डबल क्वांटिटी में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको इसको चारकोल में फिल करना है, मेरे पास यहाँ पे चारकोल है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, फिल कर दूंगा, ठीक है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप इसमें वाटर्स के ऐड कर देने, ठीक है, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लो पाइप की हेल्प से, ठीक है, दैट इज येलो फ्लेम में इसको क्या करना रहता है, हमें हीट करना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हीट करना स्टार्ट करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम और बेरियम और स्ट्रॉन्शियम के लिए, कैल्शियम के लिए आपको क्या मिलता है, तो व्हाइट इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ना इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अलग तरीके का है, ठीक है। और दूसरी जगह ये वाला, इसको वाइट ना इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाइट इंस्ट्रक्शन, सब आपको वाइट ही वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये कैसा होता है, वाइट इंस्ट्रक्शन होता है, और ये कुछ अलग है थोड़ा सा, तो दैट इज़ वाइट इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू बोलते हैं, ये फ्यूज़ नहीं होता, ठीक है। और जो अमोनिया का है ना, वो फ्यूज़ हो जाता है, वो क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। और उसके बाद सेकंड लास्ट है कलर्ड और ब्लैक रेसिड्यू, तो कलर्ड और ब्लैक रेसिड्यू ना हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको मिलेंगे, जैसे जो डी ब्लॉक के होते हैं, लाइक आयरन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये जितने भी मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वो ज्यादातर कलर्ड रेसिड्यू देते हैं, इसलिए उनको कि तो वो ब्लैक कलर के होंगे और कि तो वो कलर्ड रेसिड्यू होंगे। फिलहाल मैंने कोबाल्ट का सॉल्ट लिया यहाँ पे, तो मैं इसको डबल क्वांटिटी में क्या करूंगा, Na2CO3 को मिक्स करूंगा यहाँ पे। तो मैंने ये कोबाल्ट का रेसिड्यू लिया, कोबाल्ट लिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया, डबल क्वांटिटी में Na2CO3 को क्या किया यहाँ पे, मिक्स कर दिया, ठीक है। आपको इसमें फील कर देना, एक ड्रॉप क्या डाल देना आपको, वाटर डाल देना, ठीक है। वो अगेन हीट करता हूँ यहाँ पे, फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, इसको ना ब्लैक रेसिड्यू, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक रेसिड्यू, क्योंकि पूरा कलर्ड में है ना ये, तो हमको क्या मिलेगा, पूरा गिर गया, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था वो क्या है, बेसिकली कलर्ड और ब्लैक रेसिड्यू। और लास्ट है कि रेसिड्यू येलो ऑन हॉट एंड कूल व्हेन कोल्ड, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो वो येलो में रहेगा, और जैसे वो कूल हो जाएगा वो ऐसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट में। अगर वैसा कुछ होता है तो तुम्हारा जिंक क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, क्योंकि जिंक ही ऐसा एक मेटल, इसको हॉट करने पर ये क्या होता है, येलो होता है, क्योंकि ये कलर्ड में चले जाता है, और जैसे कूल होता है ये क्या हो जाता है, येलो। सो चलो मैं फटाफट आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मेरे पास जिंक का है, मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे फिल करूंगा, कुछ ड्रॉप वाटर डालने रहते हैं, ठीक है,
अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे हीट करना है और देखना है कि ये कैसे हमें दे रहा है चीज़ें। ठीक है, आपको येलो फ्लेम में हीट करना है। ठीक है, तो ये हीट होते ही येलो हो रहा है और उसके बाद कूल होते ही पता है क्या हो जा रहा है, ये कोल्ड हो जा रहा है। मतलब आप जब आपको ये पता चलेगा जब आप ये लैब में, मतलब जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे ना जिंक का, तो देखिए ये वाइट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कोल्ड हो गया। कोल्ड होते ही क्या हो गया, ये वाइट हो गया। लेकिन जब ये हीट होते रहता है ना, तब ये उस टाइम येलो रहता है। तो आप इसको उसी टाइम चेक कर सकते हैं जब आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आपका जिंक क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। फ्रेंड्स, आपने चारकोल कैविटी टेस्ट देखा, सारे टेस्ट के लिए, सारे सॉल्ट के लिए मैंने किया है। ऐसे करके आप चारकोल कैविटी टेस्ट को पहचान सकते हो कि आपके कौन से सॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है, मैंने सारे सॉल्ट के लिए ये वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारा मेहनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखें ताकि डे टू डे आपको मैं बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब ए टू जेड प्रैक्टिकल। थैंक यू।